वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार सभी लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो गए? खैर खैरियत से हो गए? तो अस्सलाम वालेकुम यार। आप लोगों अभी तक तुमने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके कर दो यार। ये हमारी मुर्गियां हैं सारी। अभी ने यार खाना वगैरह दे दिया था और मैं बना रहा था यार नूडल। मैं तुम्हें शुरू से नहीं दिखा पाया मगर अभी याद है तो मैंने कैमरा उठाया। यार ये इतनी ज्यादा मैगी बन चुकी है, तुम लोग देख सकते हो बन रही है हमारी मैगी। और ये वाली हम बना रहे हैं क्योंकि चटपटा मुझे पसंद नहीं है। मैं उठ गया था, छोटा भाई बना रहा था मैगी, उससे बनी नहीं। और वो देखो वहाँ बैठ के पापड़ शापड़ खाना शुरू हो गया। तो अब मैं बनाता हूँ आगे की तरफ से प्रोसेसर करता हूँ। देखो ये चूरन है मैगी का, तो डालता हूँ यार इसके अंदर। देखो भाई तुम्हारे भाई ने डालना शुरू कर दिया, बाकी सारा काम हुआ पड़ा था बस। बाकी अब खा के मैं तुम्हें बताऊंगा अगर छोटे भाई ने खाने दी तो। ये मिला लिया भाई, बहुत पकड़ी है बाकी। और इसको तुम देख सकते हो पापड़ कैसे खा रहा, चाट चाट के। इसको शर्म आ नहीं रही, पूछ भी नहीं रहा कैसे खाया जा रहा है। दबा दब ये देखो भाई तुम इसको, और छोटे भाई को वहाँ छोड़ दिया था। ये देखो अब ये पक रहे, इसके ऊपर आ गया उबाल। इसको जल्दी बनने के बाद तुम्हारा भाई खा के दिखाएगा अभी इतनी सारी मैगी। वो तो भाई तुम देख सकते हो मैगी शैगी बन गई थी एकदम, छोटे भाई के लिए उसने बना ली थी। मैं उससे कहा मेरे को भी दो तो देने के बाद, तुम देख सकते हो यार उसने कितनी दी। मैं तुम्हें दिखा के यार इतनी सी दिए यार उसने मुझे भाई, कैसे तुम देख सकते हो यार इसको, इतनी थोड़ी सी दिए यार उसने। और वो देखो खुद डोंगा भर के खा रहा है यार ये, तुम देख सकते हो। नेक्स्ट डे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। तो फुल एनर्जी के साथ तुम्हारा भाई उठ चुका है क्योंकि हो रहे थे 8:30। तो कल वाला टाइम है, इनको भी निकाल के भाई कल वाला सीन करते हैं। इनको साफ सूफ करके जल्दी से इनको साइड पे करते हैं। देखो आज कचरा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि भाई ये एकदम इनको खोलूंगा तो ये कचरे पे झपट पड़ेंगे। मैंने पहले ही इनका बंदोबस्त कर दिया भैया आज तो। फिर भी इनकी हरकतें तुम्हें पता ही है, जाके इन्होंने डस्टबिन के अंदर ही चले जाना है। इसको देखो कितना उतावला, और आओ कुत्ते काटता भी है यार ये बहुत ही। अब मैं इसको लगाऊँ खोलने भाई। वो देखो जाते ही डस्टबिन के अंदर। और देख तो तुम पिंजरे की हालत भाई पहले से भी खराब थी, जितना भी साफ करोगे। तो बस इनको जल्दी जल्दी अब करता हूँ साफ पिंजरे को, ताकि इनको दोबारा से बंद कर सकूँ मैं। ये जालें देखो सही करी थी, देखो इन्होंने दोबारा से यहाँ से भी फाड़ दी, यहाँ से वापस दोबारा ये चेक करो तुम। बस भाई अब वापस सही करनी पड़ेंगी मुझे भाई ये जालियाँ। ये फिर अब कचरे के अंदर ही जाके आ रही है ये देखो यार। तो ये जब तक कचरे में घूम रहे हैं घूमने दो, तो मैं कहता हूँ इसको साफ जल्दी से, फिर मिलते हैं मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद। तो आज भी पहले नीचे वालों को पिंजरा का खाली करके यार मैंने बर्तन छत्ता निकालने लगा हूँ, ताकि इनका पहले साफ कर दूँ बाद में इनका करूँ। क्योंकि ये भाई ये देखो इनकी सब टूटे तुम देख सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा गंद मचाते हैं यार ये। इधर आ जाओ इस तरफ ना जाना तुम्हारे। वो तो भाई तुम्हारा भाई इनके लिए खाना भी लिया था कि यार ये भूखे ना मरे हैं, तो वैसे मरते तो नहीं है ख्याल है ये बहुत ही ज़्यादा। चलो भाई इनकी प्लेट में इनको देते हैं खाना, साइड देते हैं मर कुत्या। तो ये खाना जाना खाने लग गए हैं, प्लेट वापस रख के आने लगा हूँ। ये लो भाई अपनी प्लेट वापस ले लो। तो भाई इनके पास आ गया हूँ, मैं करता हूँ सफाई शुरू। कुछ देर ये सुकून से खाना खा रहे हैं, इतने में मैं साफ कर दूंगा और मिलता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से सफाई के बाद। तो भाई नीचे वाला एकदम साफ हो गया था, अब ऊपर वाला को साफ करने लगा हूँ। तो भाई मिलता हूँ तुम्हें साफ करने के बाद जल्दी जल्दी। ये मुर्गे फिर ये पीछे देख सकते हो तुम, कभी इधर चली जाती कभी उस साइड में फिर होती है भाई। इन्होंने पूरी जगह गंदी करनी ताकि मैं बहुत ज़्यादा एरिया साफ करूँ, ये भी जानबूझ के मेरे काम बढ़ाती है भाई। चलो सारी बातों को छोड़ो, आप करता हूँ इसको साफ जल्दी जल्दी, फिर मिलता हूँ मैं तुम्हें। क्या टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहे थे। चलो मिलता हूँ यार बाद में, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी अनुसाई। अरे अरे अब रात होगी, अब ठीक है। तो मिलता हूँ यार तुम्हें थोड़ी देर बाद। वो देखो फिर वो कचरा लेके वहाँ से जा रही है यार। तो छोटे भाई को मैंने बुलाया था तो वो साफ करते करते इधर उधर फिर रहा था, उसको ब्रिश भी नहीं करने को मौका मिला यार। मुर्गियों ने इतना ज़्यादा तंग कर रखा, तुम बताओ यार इनका क्या हाल है? इनका सिर्फ एक ही हल हो सकता है, इनको सिर्फ फारिग कर दो एकदम। ये देखो अभी भी यार कितनी सफाई रहती है, कम से कम मुझे इस पर 5-10 मिनट तो हो गए काम करते हुए, फिर भी थोड़ी देर लगेगी यार। और मैं जल्दी से इसको करता हूँ, फिर इन्हें करता हूँ बंद, फिर इस जगह को करते हैं
वही साफ जैसे तुम्हें आगे का पता। फिर मिलते हैं यार तुम्हें थोड़ी देर बाद। तो ये देखो छोटे भाई को इन्होंने इतना कर दिया तंग के, ये बुरिश कर रहा था यहीं बैठ के ताकि ये कहीं जा ना सके, मगर इन मुर्गियों को कोई तमीज नहीं है। ओए तुम्हारी बहन का यार, देख सकते यार इन्होंने बहुत तंग कर रखे यार, छितर खाते हैं यार एक इनकी बहन का। ये टिशू खाने लग रहा था। ये देखो मैं करता हूँ यार थोड़ी जल्दी जल्दी सफाई, और देखो छोटा भाई भी आ रहा, मदद बिना बुरी करे आगे तो यार वो कर रहा है बुरी। चलो मिलता मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद। तो भाई पिंजरा कर लिया था एकदम साफ, ये बर्तन पड़े थे इनके और मुर्गियाँ घूम रही थी, और छोटा भाई पता नहीं ये क्या कर रहा था यार, इसको देखो ये किसको छुपा रहा है, इससे पूछो भाई। सर्दी लग रही है, कांप रहा था ये। कौन है ये? बागू बागू। दिखा शक्ल, दिखा बागू बागू की। ए देखो बागू बागू, गले ठंडे आ दो, सर्दी लग रही है वो। तो भाई डॉक्टर आया हुआ था मुर्गियों का, वो बता रहा था सर्दी लग रही थी। तो तुम देख सकते हो यहाँ सारे मुर्गे नीचे वाले तो करते हैं बंद, ऊपर वालों को भी करता हूँ जल्दी जल्दी। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें बंद करने के बाद। और तो तुम देख सकते हो मैंने इन सारे मुर्गों को करा बंद, और वो मुर्गी चलाक बनते हुए पिंजरे के पीछे जाके फंस गई। अब उसको पड़ेगा निकालना यार, तो उसको अब निकालता हूँ मैं, थोड़ा सा पिंजरा आगे करूँगा, और वो लो जी उसको निकल गया बाहर, अब पकड़ता हूँ। ये लो जी पकड़ी गई। देख रहे हो आगे से एटीट्यूड दिखा रही है यार मुर्गे भी हमें। तो इनके हुक किधर गए यार, मेरी जेब में ही थे, जेब में ही है भाई, जेब में ही है, जेब से निकाल रहा हूँ भाई मैं, जेब से निकालने के बाद। और वो देखो छोटा भाई कैसे बैठा हुआ, उससे लेके भी आता हूँ मुर्गी। भाई मुर्गी ने उसको ठंड लग रही, जैसे इसके कान में आके उसने कहा मुझे ठंड लग रही है लपेट लो मुझे। इसका मुंह देखो सारा सूजी में आंखों वाला चीनी वगैरह। और दे दे सांस बंद, वो तो कर दिया फाइनली सारों को बंद। तो नीचे वालों को भी ऊपर वालों को भी अब कर देता हूँ सफाई, क्योंकि इन्होंने मचाया बहुत ज्यादा गंद भाई। अभी तो देख सकते हो यार तुम लोग, तुम्हारे भाई ने फुल चकाचक सफाई कर दी है मुर्गियों की वजह से, ना के रोज अपने ड्यूटी अपनी कोई ऐसा काम वाम देखो। और ये देखो कितने सुकून से इनका पिंजरा एकदम साफ कर दिया मैंने, फिर भी ये देखो नीचे वालों के पिंजरे में पानी भी मार दिया था यार, मोटर चल रही है थोड़ा बस कम आ रही होगी, उसी का छोटादार हो गया। तो मिलता है तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।